दुर्ग जिले को भिलाई से जोड़ने वाला नवनिर्मित अंडर ब्रिज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद अरुण सिंह अपने वार्ड के लोगों के साथ मिलकर रायपुर नाका अंडर ब्रिज के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन पहले से ही भारी संख्या में तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकना चाहा। नहीं मानने पर आखिरकार विवाद और बढ़ने लगा, जिसके कारण पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद लोग शांत तो हो गए, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं रायपुर नाका अंडरब्रिज से जल्द आवाजाही शुरू करने को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने 15 सितंबर तक का डेडलाइन जारी किया था, लेकिन दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों कराना चाहते थे। विधायक अरुण वोरा का तर्क है कि अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली और मोटर पंप से जुड़े काम अभी नहीं हुए हैं, ऐसे में जल्दबाजी में अंडरब्रिज को शुरू करना खतरनाक हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है।